आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। गोंदिया मेडिकल कॉलेज प्रशासन हमेशा विभिन्न कारणों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। दो दिन पूर्व ही मेडिकल की लापरवाही के चलते नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई। ये मामला भी शांत हुआ ही नहीं कि फिर से एक मामला सामने आया है। महिला मरीज को गोंदिया मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से आगे उपचार के लिए एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर नागपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा था कि रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे महिला की रास्ते में मौत हो गई। घटना 4 अगस्त को सुबह के दौरान सामने आई है। परिजनों ने मेडिकल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मृत महिला मरीज का नाम ग्राम काटी निवासी राजवंती जयपाल पाचे, उम्र 42 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काटी निवासी रंजनावती का स्वास्थ्य खराब होने से उसे गोंदिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महिला मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए उपरोक्त महिला के स्वैब लेकर जांच हेतु भेजा गया। आगे के उपचार के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करने की सलाह गोंदिया मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से दी गई। महिला को ऑक्सीजन लगाकर एम्बुलेंस में नागपुर की ओर रवाना कर दिया गया, लेकिन गोंदिया से 30 किलोमीटर दूरी पर ही सिलेंडर से ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण महिला ने दम तोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर सवाल निर्माण किया जा रहा है कि कम ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर की जानकारी होने के बावजूद दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या मेडिकल प्रशासन इससे अवगत थी या नहीं? मेडिकल प्रशासन की लापरवाही से उपरोक्त महिला की मौत होने का आरोप लगाया गया है और मांग की गई है कि तत्काल संबंधित दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।